आपको ध्रुवीय निर्देशांकों के बारे में बताया था, उसके बाद ध्रुवीय स्पर्शी, ध्रुवीय अधोस्पर्शी, ध्रुवीय अभिलंब और ध्रुवीय अधोलंब की डिस्टेंस ज्ञात करके बताई थी। उसके पश्चात अपन ने ध्रुव से ध्रुवीयरा, ये वक्र है, इसके ऊपर कोई बिंदु P है, ये ध्रुवांतर रेखा हो गई, ये प्रारंभिक रेखा हो गई और ये इसके ऊपर लंब है। अपने को इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हुआ। कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं? समकोण त्रिभुज ओ एम पी से। साइन फाई बराबर होता है लंब बटे वे कर्ण, लंब हुआ ओ एम और कर्ण हुआ ओ पी। ओ एम है स्मॉल पी मान लिया, ये ओ पी, तो पी इक्वल टू आर साइन फाई। अब मैं चाहता हूं कि पी का मान मैं आर और थीटा के रूप में ज्ञात करना चाहता हूं। तो ये हम जानते हैं कि टेंजेंट फाई इक्वल टू होता है आर डी थीटा बाई डी आर। ठीक, नंबर टू, यहां एक को मैं रेसिप्रोकल लेके वर्ग व्युत्क्रम ले रहा हूं उनका, यानी वन अपोन पी स्क्वायर इक्वल टू वन अपोन आर स्क्वायर और वन अपोन साइन स्क्वायर फाई मतलब कुसेक स्क्वायर फाई। कुसेक स्क्वायर फाई के बारे में पता है अपने को, वन अपोन आर स्क्वायर अंडर रूट कुसेक फाई, वन अपोन कुसेक स्क्वायर फाई बराबर होता है अंडर रूट नहीं स्क्वायर है ना, तो वन अपोन आर स्क्वायर ये होता है वन प्लस कोट स्क्वायर फाई। अब कोट फाई मतलब हुआ यहां से वन प्लस वन अपॉन टेन स्क्वायर फाई, टेन स्क्वायर फाई का मान निकाल रखा, तो ये रेसिप्रोकल करके ऐसे कर देता हूं वन अपॉन आर स्क्वायर और डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अंदर ले जाते हैं, यानी वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन आर फोर डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। ये आया, ये रिलेशन अपने बहुत काम आएगा, जब अपने को स्मॉल पी का मान निकालेंगे तो अपने को इस वैल्यू से निकालना पड़ेगा नंबर पी। एक और भी इसका रूप लिख सकते हैं, इसमें अपन लिखें पुट वन अपॉन आर इक्वल टू यू, तो यहां से माइनस वन अपॉन आर डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी थीटा। इसका प्रयोग तीन में करें तो वन अपॉन पी स्क्वायर, वन अपॉन आर मतलब यू, तो यहां पे वन अपॉन आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये क्या हुआ, ये वन अपॉन ये डिफ्रेंशिएशन किया तो वन बाई आर का क्या हुआ, माइनस वन बाई आर स्क्वायर। तो इसको क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, इसकी जगह ये लिख सकते हैं ना, इसका स्क्वायर किया दोनों तरफ से तो वन अपॉन आर फोर डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या, डी यू बाई डी थीटा। तो इस सब्स्टिट्यूशन के बाद समीकरण तीन इस रूप में कन्वर्ट हो जाती है, वन अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन यू स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। ये थी ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। अब मैं आपको इसका जो महत्वपूर्ण पार्ट है उसका मैं स्टडी कर रहा हूं, पदिक समीकरण पीडल इक्वेशन, कि किसी भी वक्र के लिए पी और आर में संबंध उस वक्र का पदिक समीकरण कहलाता है, जहां स्मॉल पी क्या है, वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पर डाले गए ध्रुव से या मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई है। जब अपन कार्तीय वक्रों की बात करेंगे तो उसका तरीका यह है, जब वक्र की समीकरण कार्तीय रूप में हो तो समीकरण अपने को एक्स वाई में दे रखा है कि एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो तथा आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये अपन जानते हैं। वक्र के किसी बिंदु स्मॉल एक्स वाई पर टेंजेंट लाइन स्पर्श रेखा की समीकरण निम्न होती है, कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स।
अपने को ध्रुव कह लो, जब अपन कार्तीय वक्र की बात करेंगे तो ध्रुव की जगह क्या हो जाएगा, मूल बिंदु हो जाएगा। तो मूल बिंदु यानी जीरो जीरो से इस पर डाले गए लंब की लंबाई, अपन जानते हैं ना कि यदि अपने पास स्पर्श रेखा का समीकरण ये है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इस रेखा पर इस बिंदु एक्स वन वाई वन से डाले गए लंब की लंबाई, यहां से इसके ऊपर लंब डाल दो, ये मान लो ए है और ये एम है, तो ए एम का मान क्या होता है, इस बिंदु से इस रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी पर बराबर जीरो पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी, ए एम इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब आप इस पे देखिए, यहां एक्स वन वाई वन की जगह क्या है, मूल बिंदु से लंब डालना है, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। समझ गए ना, इनको इधर लेके आ गया, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस कैपिटल वाई माइनस कैपिटल वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, ये रेखा आ गई आपके पास। इस रेखा पर मूल बिंदु से जब लंब डालेंगे तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की जगह जीरो हो जाएगा, तो क्या आएगा एक्स डी वाई। इसका एक चीज और ध्यान रखना कि ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती है तो मोड हो जाएगा। तो यहां जब आएंगे ना, जब मोड लेंगे ना, तो मोड से वो बाहर निकाल देंगे वैल्यू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये तो जीरो हो गए, कैपिटल एक्स की जगह जीरो वाई की जगह जीरो, तो क्या बचा माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, मोड है तो इसको पॉजिटिव बना लेंगे अपॉन इनके गुणांकों के वर्गों का योग। तो यहां पे इसका गुणांक क्या है वन, और इसका गुणांक क्या dy by dx, ये स्मॉल p। अब अपने को करना क्या है, समीकरण एक दो और तीन में से स्मॉल xy को हटा दो। जैसे ही अपन ने इन तीनों में से xy को हटा दिया तो किस किस में रिलेशन आ जाएगा, p और r में, वो ही उसकी पदिक समीकरण कहलाएगी। अब अपन बात करते हैं ध्रुवीय वक्रों के लिए पदिक समीकरण ज्ञात करना, तो क्या होगा अपने पास, क्या क्या हो सकता है, वक्र का ध्रुवीय समीकरण r थीटा में रिलेशन दे रखा है यानी एफ आर थीटा इक्वल टू जीरो, नंबर एक अपन जानते हैं, अभी फॉर्मूला निकाला था वन अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन आर फोर डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। इन दोनों समीकरणों में से किन किन का रिलेशन विलोपन कर दें, केवल थीटा का विलोपन कर दें तो रिलेशन किस किस में आ जाएगा, P और R में रिलेशन आ जाएगा, और यही अपने को ज्ञात करना है। यानी ध्रुवीय समीकरण के लिए जब ध्रुवीय वक्र दे रखा होगा तो थीटा को एलिमिनेट कर दो, P और R में रिलेशन लिया हो, और जब आपको कार्तीय रूप दे रखा हो तो X और Y को एलिमिनेट कर दो, R और P और R में रिलेशन आ जाएंगे। इसके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगा और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ये कह रहा है कि निम्न एग्जाम्पल तीन ले रहे हैं, निम्न वक्रों के किसी बिंदु पर ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्श रेखा के मध्य का कोण, किन किन के बीच में, ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा, मतलब फाई का मान ज्ञात करना है। फाई का मतलब टेंजेंट फाई इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर का मान निकालना है। आर का मान दे रखा है इसने, डी आर बाई डी थीटा निकाल लो, टेंजेंट फाई का मान निकल जाएगा, फाई का मान आ जाएगा। देखिए तो डिफ्रेंशिएट, पहले ए पार्ट ले रहे हैं ना, तो वक्र के समीकरण का थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दे तो डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू वन का जीरो हो गया, कोस का माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा। ठीक है, माना स्पर्श रेखा तथा ध्रुवांतर कोण के मध्य का कोण फाई होता है, तो सूत्र क्या है, टेंजेंट फाई इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर, आर आर का मान रख दिया, आर का मान ये रख, ये यहां रख दिया, और ये वन अपॉन हो जाएगा ना, क्योंकि डी आर बाई डी थीटा यहां पे क्या है, डी थीटा बाई डी आर, तो भाग लग जाएगा। अब ये ए से ए भी कट गया, वन माइनस कोस थीटा, अब इसको क्या लिखोगे आप, वन
इसको क्या लिखा, वन माइनस कोस थीटा मतलब टू कोज टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और ये क्या है साइन थीटा, टू साइन थीटा कोस थीटा बाई टू, आधा हो गया ना, ये एक से एक कट गया, टू से टू कट गया, साइन थीटा बाई टू को अपॉन कोस थीटा बाई टू इक्वल टू क्या हुआ टेंजेंट थीटा बाई टू, दोनों तरफ से टेंजेंट टेंजेंट हटा देंगे तो फाई का मान क्या आया थीटा बाई टू। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको ये बी एग्जाम्पल करना है घर जाके, ओके घर पे आपको ये करना है। अब एग्जाम्पल चार पे आते हैं, कार्डियोइड, कार्डियोइड का डायग्राम इस तरह का बनता है, देखिए आप पान की शेप होती है ना, ये अपन जब वक्र अनुरेखन पढ़ेंगे ना तब बताएंगे, ये कार्डियोइड होता है, आपको डायग्राम के ऊपर नहीं जाना है, मैं तो आपको वैसे ही बता रहा हूं कि कार्डियोइड इस तरह का होगा, जब यहां पे 1 प्लस कोस थीटा है तो इस तरह का, जब 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, है ना। डायग्राम पे अभी अपने को नहीं जाना है, अपने को तो क्या करना है कि प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात करना है, इनके बीच के दो प्रतिच्छेदन कोण का मान ज्ञात करना है। तो ये क्या कह रहा है, ये इसमें इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग करेगा, ये मैंने आपको बताया था, ये दो ध्रुवीय वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात करना है। तो दो ध्रुवीय वक्र को आपको यहाँ पे दो ध्रुवीय वक्र कौन कौन से दे रखे हैं, वो दोनों दे रखे हैं, एक तो इधर वाला कार्डियोइड दे रखा है और एक इधर वाला, इनके बीच का प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात करना है आपको। तो इसके लिए टेंजेंट फाई वन निकाल लेंगे, इसके लिए कर लेंगे, जहां काटेंगे वो फाई वन माइनस फाई टू। तो क्या कह रहा है, माना कार्डियोइड का प्रतिच्छेदन बिंदु पी आर वन थीटा वन है तथा पी पर दोनों वक्रों की स्पर्श रेखाओं से ध्रुवांतर रेखा ओ पी क्रमशः फाई वन तथा फाई टू कोण बनाती है, यानी इसके लिए जो स्पर्श रेखा है और ध्रुवांतर रेखा के मध्य का कोण फाई वन है और इसके लिए फाई टू है, तो अपने को जो कोण चाहिए वो फाई वन माइनस फाई टू है। तो पहले प्रथम वक्र के लिए ले लेते हैं, आर इक्वल टू ये है डी आर बाई डी थीटा निकाल लिया, टेंजेंट फाई निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, ये टेंजेंट फाई का मान ये आ गया, इसको मैंने क्या माना है पी पर क्या माना है फाई वन, फाई वन आ जाएगा ना, ये वैल्यू सिंपल है, टेंजेंट फाई इक्वल टू ये डी आर बाई डी थीटा, आर का मान रख दिया और डी आर बाई डी थीटा है तो वन अपॉन हो जाएगा, यहां से ये हो गया वन प्लस कोस थीटा मतलब माइनस टू कोज स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू, यहाँ एक कोस से कोस कट गया, टू से टू कट गया, तो क्या है माइनस कोट थीटा बाई टू। अब चूंकि यहाँ टेंजेंट है तो इसको भी आप टेन के रूप में लिखेंगे, तो टेंजेंट पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू, दोनों तरफ से टेन हटा दिया तो फाई का मान ये आ गया, पी पर क्या मान रखा है फाई वन ये मान रखा है। इसी प्रकार से जब अपन द्वितीय वक्र के लिए निकालेंगे तो वैल्यू ये आ जाएगी, फाई टू का मान ये आ गया। अब दोनों वैल्यू है क्या फाई वन माइनस फाई टू, ये जब फाई वन का मान ये रहा फाई टू का मान ये हो गया, तो इनके बीच का कोण क्या हो गया पाई बाई टू हो गया। अब पांचवा एग्जाम्पल लेते हैं, एल बाई आर इक्वल टू वन प्लस ई कोस थीटा, ये दीर्घवृत्त होता है, इसमें ध्रुवीय रूप में लंबाई ज्ञात करनी है, किस किस की ध्रुवीय अधोस्पर्शी की ज्ञात करनी है और ध्रुव से स्पर्श रेखा पर यानी स्मॉल पी का मान ज्ञात करना है। अब ध्रुवीय अधोस्पर्शी का आप छोटा सा फिगर बना के इसकी वैल्यू देख लो, क्या आएगी ध्रुवीय अधोस्पर्शी, तो आपको सबसे पहले क्या करना है डी आर बाई डी थीटा का मान निकालना है, तो ये डी थीटा बाई ये डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको थीटा के विद रिस्पेक्ट, है ना, आर के विद रिस्पेक्ट कर दिया, तो पहले माइनस एल अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू वन का जीरो हो गया माइनस ई साइन थीटा डी थीटा बाई डी आर डी थीटा बाई डी आर इक्वल टू आ गया एल अपॉन ई आर स्क्वायर ई साइन थीटा, तो ध्रुवीय अधोस्पर्शी की लंबाई ये होती है, यहां पे डी थीटा बाई डी आर का मान रख दिया वैल्यू आ गई। अब दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट कह रहा है स्मॉल पी का मान ज्ञात करना, स्मॉल पी का मान अपने को पता ही है वन अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू
वन अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू होता है वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन आर फोर डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। इसका मान अपन ने निकाल ही रखा है, ये मान यहां रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। और ये इसी तरह से निकालता है, ये पी इक्वल टू इससे वैल्यू निकाल रहा है तो वन अपॉन पी स्क्वायर वही वाली लेके कुल मिला के ये वन अपॉन पी का मान ये आ जाता है, ये इसके सॉल्यूशन है। अब आपको आगे जाके इसके बाद जो आपको खुद को एक्सरसाइज करनी है वो एग्जांपल 6, 7 दो एग्जांपल आपको करने हैं, और क्वेश्चंस जो आपको करने हैं वो मैं बता देता हूँ, उदाहरण मैं बताऊंगा, है ना। आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है, 4, 5 ये आपको, 8 ये करने हैं आपको, है ना। बाकी के जो नहीं होंगे वो मैं आपको बताऊंगा।